हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आज हम एक और मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पढ़ रहे थे बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम चार वैरायटी का टॉपिक पढ़े थे स्टार्टिंग में टैक्स प्लानिंग क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है टैक्स इवेजन क्या होता है टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है सब्जेक्ट का नाम जब टैक्स प्लानिंग है तो हमें डिटेल में टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ना है और उसमें आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानिंग का क्या क्या लिमिटे हम टैक्स प्लानिंग करेंगे लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशन है क्या क्या है सबसे पहला इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ टैक्स पेमेंट ये टैक्स पेमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि तुम टैक्स प्लानिंग कर लिए इसका मतलब तुम्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा कम देना पड़ेगा कभी कभार ऐसा होता भी है कि नहीं भी देना पड़ता है लेकिन ऐसा इसका ये नियम नहीं है कि तुम टैक्स प्लानिंग कर ले तो तुम टैक्स देने से बच जाओगे ऐसा नहीं है टैक्स प्लानिंग के तरह तो यूज करके तो अपना टैक्स को सही तरीके से प्लान कर सकते कि कब कितना रुपए टैक्स आएगा कब टैक्स को कम कर सकते हैं कहीं पर बढ़ा सकते हैं ये सब कुछ का प्लानिंग तुम कर सकते हो इट इज अ अट्स्टिट्यूट ऑफ टैक्स पेमेंट टैक्स प्लानिंग लीड्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी नॉट वेवर ऑफ टैक्स ये टैक्स का वेवर नहीं है ये टैक्स का मिनिमाइजेशन है इट द एस एस सी कैन टेक द एडवांटेज सारे का ले सकते हैं लॉ जितना रूल के अंदर है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम हमारा टैक्स पेमेंट को कम कर सकते हैं खत्म नहीं कर सकते हैं. मतलब जीरो नहीं कर सकते हम टैक्स लाइबिलिटी को थोड़ा कम कर सकते बात समझ में आया पॉइंट नंबर टू इट रिक्वायर्ड साउंड नॉलेज ऑफ द लॉ मैं पहले ही बताया था प्री रिकाइट ऑफ टैक्स प्लानिंग में कि पहले क्या क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स लॉस पढ़ने पड़ेंगे इतने सारे इनकम टैक्स लॉस रूल सर्कुलर नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पूरा कंप्लीट नॉलेज लेना उसके बाद ये इतना नहीं है इसके साथ इसके भाई वाले रूल्स एंड रेगुलेशन इसके जो छोटे छोटे भाई हैं जैसे कि जीएसटी लॉ हो गया कस्टम्स एक्ट हो गया फिर तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो आ, लेबर लॉस हो गए ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके साथ में पढ़ना पड़ेगा ताकि ये ना हो जाए कि तुम इनकम टैक्स तो बचा लो लेकिन जी वाले आकर तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स बचाए थे दो लाख का जीएसटी वाले आकर एक करोड़ का पेनल्टी लगाकर चले गए बचाए दो लाख भरे एक करोड़ बात समझ रहे हो क्या है तो इसके आसपास इससे रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब भी तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा ना हो जाए कि एक रूल में टैक्स को कम करने के चक्कर में तुम कहीं और अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर दो जहां पर तुम्हें पेनल्टी देना पड़ जाए तो इसीलिए साउंड नॉलेज ऑफ लॉ मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस का लॉज का सब कुछ का इनकम टैक्स लॉज हो गए और उसके साथ बहुत सारे लॉज हो गए

अनरीजनेबल टाइम स्पेंड बाय मैनेजमेंट बहुत टाइम लग जाता अनरीजनेबल टाइम स्पेंड बािटी इंक्रीज विद्रीज इन प्रॉफिट विच कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टर्ड्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हम जितना टैक्स लाइविलिटी हमारा आएगा वो हमारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आएगा ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा जिससे कि इकोनॉमी का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है मैनेजमेंट स्पेंड्स मोर एंड मोर टाइम इन टैक्स प्लानिंग जो हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो अपना बहुत टाइम टैक्स प्लानिंग करने में ही यूज कर लेता मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनका टैक्स प्लानिंग में चला जाता है टाइम इन टैक्स प्लानिंग विथ इंक्रीज इन इनकम और प्रॉफिट विच दे कुड स्पेंड टू अर्न मोर एंड मोर अगर वो टैक्स प्लानिंग में उतना टाइम वेस्ट नहीं करते और वो टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लेते तो उनका ज्यादा प्रॉफिट शायद हो सकता बात समझ रहे हो मैं एक काम को दो घंटे कर रहा हूं जिससे मेरा दस हजार रुपए का रहा है। लेकिन अगर वही दो घंटे में कहीं और लगा दूं, जहां पर वो घंटे मैं पचास हजार कमा सकता हूँ तो तुम्हें अरे हिसाब से मैं क्या करना चाहिए क्या दो घंटा टाइम वेस्ट करना चाहिए वो काम को करने के लिए जहां पर मैं दस हजार का कर सेविंग करूं कि मुझे वहां फोकस करना चाहिए जहां मैं दो घंटे में पचास कमा सकता तो हमेशा जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अपना बहुत सारा टाइम टैक्स प्लानिंग में ही बर्बाद कर देता है कोई नया मार्केटिंग कैंपेन करता जिससे कि उसका प्रॉफिट और बढ़ता और ज्यादा इनकम होता तो वो टैक्स देकर कंपेंसेट भी हो जाता बात समझ रहे हो क्या हो रहा है पॉइंट नंबर फोर टैक्स प्लानिंग इज नॉट इनफ्रिंजमेंट टैक्स प्लानिंग एम्स टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स लॉ इट डज नॉट मीन इनफ्रिजमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजन्स ऑफ द लॉ इसका मतलब यही नहीं है कि तुम रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे हो टैक्स प्लानिंग हमारा हक है हम लेजिटिमेटली हमारे टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं ये संविधान हमें हमारा हक देता है कि हम हमारे टैक्स लाइबिलिटी को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम कम कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूल्स और प्रोविजन को तोड़ रहे हैं जब भी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैक्स का चोरी कर रहे हैं टैक्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग हमारा अधिकार है और हम ये काम कर सकते हैं इनहेरेंट इनहेर ऑफ द लॉ पॉइंट नंबर फाइव इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द लॉ कुछ लॉस के इनहेरेंट लिमिटेशन है मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इन इंडिया इनकम टैक्स पढ़ना और उसे समझना मोस्ट डिफिकल्ट और कॉम्प्लीकेटेड चीज है इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाइएस्ट डिफिकल्ट कोर्स जो है इनकम टैक्स का इनकम टैक्स को समझना और उसे इंप्लीमेंट करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड है द लीगल लैंग्वेज इज ऑफे डबल ऑफ मीनिंग और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जो लीगली जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसके मल्टीपल मीनिंग निकल कर आते हैं किसी को कुछ समझ में आता है तो किसी को कुछ समझ में आता है दोनों गलत नहीं है

टैक्स प्लानिंग का मल्टीपल बेनिफिट नहीं है टैक्स प्लानिंग का एक ही मेनली बेनिफिट है तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा द एस एस सी हैजू सैटिस्फाई वेरियस प्री कंडीशन टू क्लेम वेरियस डिडक्शन एग्जैम्शन रिबेट टैक्स प्लानिंग करोगे टैक्स कम करना है रिबेट लोगे exemptions लोगे, तो और बहुत सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ओवरऑल घूम फिर कर थोड़ा सा पैसा बचेगा और इसके अलावा कुछ नहीं इवन थ्रो द लिमिट लिमिट ऑफ टैक्स बेनिफिट अवेलेबल आर मोर बट द एस एस सी कैन अवेल ओनली टू द एक्सटेंड इज सेटिस्फाई द प्री कंडीशन जितना तुम प्री कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे उतना ही तुम्हें डिडक्शन एग्जम्पन मिलेगा और हो सकता है कि लिमिट एग्जेम्शन ज्यादा है लेकिन तुम्हें कितना मिलेगा जितना तुम कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो ये है लिमिटेड बेनिफिट मिलता है कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलता है तो ये हो गया हमारा छः पॉइंट लिमिटेशन ऑफ टैक्सप्लिंग के अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम हमेशा टॉपिक वाइज बनाते हैं जिससे कि तुम्हें ज्यादा बेनिफिट हो तुम टॉपिक्स को इजीली रिवाइज कर पाओ इसीलिए हमारा वीडियो छोटा छोटा होता है और टॉपिक वाइज होता है एक टॉपिक एक वीडियो में हम लोग कवर करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नया वीडियो में शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है चलो बाय बाय वन एंड and...